तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। तो यार देखो, आ चुके हैं फिर से और एक न्यू वीडियो के साथ। तो सर, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ऑटो स्क्रीन मूविंग प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि इस बहुत सारे बंदों को प्रॉब्लम हो रही है कि जब भी वो मैच खेलते हैं कैसे उनका ऑटो स्क्रीन मूविंग प्रॉब्लम होता है या फिर स्क्रीन सेक प्रॉब्लम होता है। तो आज की इस वीडियो अंदर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसको कि सब अगर यूज करते हो तो सबका 100% ये ऑटो स्क्रीन मूविंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले कैसे मेरी एक ही विनती है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेक श्योर एक लाइक कर देना। विदाउट एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो अभी मैं फिलहाल आ चुका अपनी ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर और देख सकते हो मेरा जो स्क्रीन मूविंग प्रॉब्लम है कुछ इस प्रकार हो रहा होगा। आपका ही कुछ इसी प्रकार हो रहा होगा। देख सकते हो जब भी आप मैच खेलते हो या टीडीएम खेलते हो तो अभी इसको सॉल्व कैसे करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आपको सेटिंग में चले जाना है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कैमरा रोटेशन वाइल एडीएस, तो इसको सिंपली आपको डिसेबल कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा से नीचे चले जाना है तो आपको और एक सेटिंग नजर आ रहा होगा कैमरा रोटेशन वाइल लैंडिंग, तो सबको इसको डिसेबल कर देना है। तो इस दोनों सेटिंग को डिसेबल करने है तो सबका 100% सबको जो ऑटो स्क्रीन मूविंग प्रॉब्लम या स्क्रीन चेक प्रॉब्लम जो भी चल रहा है आपका ये सॉल्व हो जाएगा एकदम 100%। अगर नहीं होता है तो सबको मुझे नीचे कमेंट में आकर जो बकना है इस पर देना, क्योंकि पहले आपको क्या करना है दोनों सेटिंग को एक करके डिसेबल करके आपको देखना है कि सबका 100% सॉल्व हो जाएगा। और हाँ गाइस, अगर आपको जानना है ये दोनों सेटिंग का काम डिटेल में इनका गाइस यूज किया है इनका ये, तो गाइस इसको ऊपर में गाइस मैं पहले से डेडिकेट वीडियो बना के रखी हुई है, क्योंकि ये सबको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो गाइस आप वहाँ से जाके इस वीडियो को वॉच कर सकते हो। और हाँ गाइस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो बाय गाइस।